How to fix Samsung Core Prime 4G बैटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में बैटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके जो बैटरी है काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको चार्जिंग के रिलेटेड बहुत सारे कुछ बातें बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये सारे जानने को मिलेगा, सॉल्यूशंस, रीजंस। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी बैटरी स्लो चार्जिंग का इश्यू आते हैं तो ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर आपका जो चार्जिंग एडेप्टर है या तो फिर चार्जिंग केबल है उसके वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों हमेशा एक ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ करें अपने मोबाइल पर। अगर डुप्लीकेट चार्जर वगैरह यूज़ करते हैं और आपके मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ओरिजिनल चार्जर आपको यूज़ करना है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर आप चार्जिंग बदल बदल के अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो दोस्तों पिन डैमेज हो जाते हैं। जब पिन डैमेज होते हैं तब आपका चार्जिंग स्लो हो जाते हैं। चार्जिंग करते वक्त दोस्तों अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तब भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगा, चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा और सारे साथ में बैटरी आपका डैमेज हो जाएगा, उसके बाद हमेशा चार्जिंग स्लो ही होती रहेगा, ठीक है। यानी कि आपको गेमिंग नहीं करना है जब आप चार्जिंग करते हैं, ठीक है, स्पेशली इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद आपका कनेक्शंस, ठीक है, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर मोबाइल डेटा, मोबाइल हॉटस्पॉट, लोकेशन, अगर ये सब ऐसे ही ऑन पड़ा हुआ है बिना मतलब के तो आपको ये सब भी बंद करना होगा और ये चेक करना होगा कि आपके मोबाइल पे ऐसा कोई एप्लीकेशन तो नहीं है जो कि बैड एप्लीकेशन आपके मोबाइल बैटरी को कंज्यूम कर रहा हो, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को आप डिलीट करें। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपने अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ है जो कि बैड एप्लीकेशन, उसको डिलीट करें, ठीक है। इस तरीके का जो एप्लीकेशन है वो मोबाइल के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इस तरीके का एप्लीकेशन को भी अवॉइड करना है। मोबाइल स्पेस काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो चुका है तो मोबाइल स्पेस को भी फ्री आप करें। मोबाइल डिवाइस के जो कैश है उनको भी क्लियर कीजिए। फाइल मैनेजर पे भी जाके आपको कई सारे कैश मिल जाएगा, उनको भी डिलीट करें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा बैटरी एंड डिवाइस केयर। तो जाके दोस्तों एक बार आप अपने बैटरी चेक करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद सारे बैटरी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, 100% आपका यहाँ पे बैटरी जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बैटरी पे जाइए, मोर सेटिंग पर क्लिक करें, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है तो फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर दें, ठीक है। तो फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर दें और एडेप्टिव बैटरी इसको भी इनेबल कर दें। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो बैटरी स्लो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगा। सारे साथ दोस्तों यहाँ पर जब हम सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हैं तब दोस्तों हमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में, एंड देन दोस्तों आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और दोस्तों इससे आपका बैटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशंस आप कर सकते हैं। सारे साथ में दोस्तों जो भी मैंने आपको रीज़न बताए उसमें भी आपको ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपने सारे सॉल्यूशन करके देखा फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक बार आप अपने मोबाइल को फैक्ट्री डेटा रीसेट कीजिए। उसके लिए जनरल मैनेजमेंट पर जाना है और आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड देन फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक करके रीसेट कर देना है, ठीक है। बाय एनी चांस इसके बाद भी ना हो तो आप किसी भी टेक्नीशियन के पास या फिर सर्विस सेंटर के पास जाके अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका बैटरी यहाँ पर ख़राब हो चुका है या तो फिर आपका चार्जिंग जो पिन रहते हैं वो ख़राब हो चुका है मोबाइल का, ठीक है। तो उसको चेंज करने के बाद, रिपेयर करने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस तरीके से दोस्तों सॉल्व किया जाता है बैटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।